एमपी में सड़कों पर उतरी बसपा, भोपाल में बीएसपी का हल्ला बोल, आकाश आनंद की अगुवाई में बड़ा आंदोलन। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई हैं। आज भोपाल की सड़कें बसपा के झंडों से नीली हो गई। हर तरफ नीले झंडे और हाथी का निशान ही दिखाई दे रहा था। आज भोपाल में बसपा ने बड़ा आंदोलन किया। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की अगुवाई में आज बसपा के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। मध्य प्रदेश में दलितों, वंचितों और ओबीसी समाज पर बढ़ते हमलों के खिलाफ आज बसपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मैं एक बार आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि एक बार आप जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे सारे कमेटी लोगों के लिए, जिन्होंने पूरी रात रात यहाँ खड़े होके इस सब की तैयारी करी, तो आप सभी का मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आकाश आनंद अपने समर्थकों के साथ आज भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान में जुटे थे। माननीय सांसद जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बलात्कार रोक न सके। वहां समर्थकों की भीड़ देखकर आकाश आनंद का जोश भी हाई हो गया। उसके बाद समर्थकों के साथ आकाश राजभवन का घेराव करने निकले। मैं एक बार आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि एक बार आप जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे सारे कमेटी लोगों के लिए, जिन्होंने पूरी रात रात यहाँ खड़े होके इस सब की तैयारी करी, तो आप सभी का मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आकाश आनंद का कहना है कि एमपी में जिस तरह से दलितों और आदिवासियों पर हमले बढ़े हैं और एमपी सरकार उन्हें रोकने में नाकाम है, उससे ये साबित हो गया है कि एमपी में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। क्या उनके लिए आज तक सुरक्षा का प्रबंधन किया है इन लोगों ने? आप जितने भी बड़े बड़े वादे कर सकते हो, बट आप सरकार आपको बता दें कि इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बसपा के इस आंदोलन को चुनावी रणनीति भी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बेंजी ने आकाश आनंद को आज सड़कों पर उतार कर ये संदेश दिया कि वो एमपी चुनाव में पूरी दमदारी के साथ उतरने जा रही हैं। आपका इस प्रदर्शन पर क्या कहना है? बसपा की इस रणनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।